हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का हम क्या देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेंगे, तो वो आपको देखना है। कैसे देखो, कुछ मैंने रेशनल नंबर किए 10/3, 2/11, 1/7 एंड 7/8। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 3 के जब 10 में डिवाइड देंगे, 11 के 2 में डिवाइड देंगे, 7 का 1 में एंड 8 का 7 में, तो ये कुछ आंसर्स ऐसे आएंगे। इसमें आप कुछ रिजल्ट निकलते हैं, वो आप देखो, जरा बताता हूं आपको। देखो, पहली बात तो रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू भी फॉर्म में है, तो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होंगे, रिपीट होंगे। टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट होंगे, तो उससे कुछ आपके रिजल्ट निकलते हैं, तो वो आप एक्सरसाइज में वो एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 9 एनसीईआरटी बुक्स क्लास 9 मैथ। ठीक है, तो उसमें क्या है, देख लो अच्छे से। सबसे पहले लिखते हैं ये वाला 10/3, तो 3 का जब 10 में डिवाइड देंगे तो क्या आ रहा है, 3 नंबर क्या रिपीट हो रहा है, मतलब रेगुलर 3 कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस रिपीटिंग वर्ड 3। 11 का 2 में डिवाइड देंगे तो आप देखना 0.181818, इसमें भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 18, 1818, 1818, इसमें क्या हो रहा है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, अगर रेगुलरली कंटिन्यूसली 1 1 1 1 रिमाइंडर क्या आएगा, 1 1 1 रिपीट होगा। जब 11 के 2 में आप डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 2 9 2 9 2 9 2, ऐसे रिपीट होगा। इसमें देखते हैं, जब 7 का आप 1 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, ऐसे रेगुलरली क्या होगा, रिपीट होगा, 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर भी क्या होगा, रिपीट होंगे, 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1, ऐसे क्या होंगे, रिपीट। एक एग्जांपल और है 7/8। ठीक है, 7/8 इसमें क्या होगा, जब आप इसमें दोगे क्या आएगा, फिक्स टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब रिमाइंडर इसमें क्या आते जाएंगे, 6 4, लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। मींस दैट मींस क्या है, डिवाइड चला जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड चला जाएगा। अब इसको देख लेते हैं क्या है रिजल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुनो अच्छे से। पहला पॉइंट क्या है, जब रेशनल नंबर का हम जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जब डिवाइड देते हैं, तो फर्स्ट क्या होता है, या फिर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, या फिर नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। अगर आपको नोट करना है तो एग्जांपल नंबर 5 के नीचे लिखा हुआ है, नोट लिखिए 1, 2 और 3। ठीक है ना, ठीक है, 1, 2, 3 लिखे हुए हैं। द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, मतलब एक निश्चित सीमा पर, एक निश्चित पर, निश्चित नंबर्स के बाद क्या आता है, आइदर बिकम 0, या तो वो 0 हो जाता है, क्या रिमाइंडर, जैसे इसमें आप डिवाइड दोगे ना किसमें, ये वाला, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब वो नंबर कैसा होगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर, ये कैसा होगा, नंबर ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा, जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। उसमें क्या क्या लिखा है, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, या फिर क्या होगा, रिपीट होगा। देखो उसमें देखो, अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा, रिपीट होगा रेगुलर, 9 2 9 2 9 2 3 2 6 5 4 1 3 2 6 5 4 1। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है फर्स्ट। सेकंड बात ये है इसमें, अगर हम क्वोशेंट की बात करें, ठीक है, अभी मैंने किसकी बात कर रहा हूं, रिमाइंडर की, ओनली किसकी, रिमाइंडर की, मैं अभी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, रिमाइंडर की। रिमाइंडर आइदर बिकम 0 और रिपीटिंग। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्या है, नेक्स्ट कंडीशन, अगली सेट कंडीशन क्या है, कोशेंट के रूप में, कोशेंट में क्या है, कोशेंट में या फिर तो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब डिवाइड फुल हो जाएगा, या फिर वो नंबर एक निश्चित, ठीक है ना, एक सर्टेन स्टेज के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सर्टेन स्ट्रिंग्स, ठीक है, एक स्ट्रिंग बोलते हैं वर्ड,
सर्टेन स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, एक निश्चित सीमा पर क्या होने होने लगेगा, वो रिपीट होने लगेगा। मतलब ये है, देखो आप देखो थ्री 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 रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 3.3 बार। जो नंबर रिपीट होता है उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार। बार मीन्स कंटिन्यूस वो नंबर आता है, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 0.1 आया, फिर 8 आया, ठीक है ना, देन नंबर कौन सा आया, 1, मतलब मीन्स 1818 द्वारा से आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोशेंट की बात कर रहा हूं, ये क्या क्या है, कोशेंट। इसमें क्या हो रहा है, 0.142857, इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये 142857 पर क्या लगा दिया मैंने, बार। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो अच्छे से, तो 142857, ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में हो गया। थर्ड बात ये, इसमें देखो, इसमें आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जितने नंबर डिवाइजर होता है, ठीक है ना, जो डिवाइजर होता है ना, उससे कम ही नंबर रिपीट होती है। मतलब ये है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये आपकी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, इफ द रिमाइंडर रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट क्या होता है, देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या होता है, रिपीट होता है, या फिर इसको सेकंड को पढ़ो अच्छे से, सेकंड को, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग्स, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, 9292, 111, 326541, क्या लिखा, रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, इज लेस देन द डिवाइजर। ये तो मैंने इसको पढ़ के बता दिया, अब सिंपल वे में समझो इसको। मतलब ये है, मैंने डिवाइड किसका लिया, इसमें डिवाइजर 3 है, तो 3 से कम, यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं, 2 नंबर्स, मैक्सिमम कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं, 2। मैंने इसमें डिवाइड किसका लिया, 11 का, तो मैक्सिमम कम, मैक्सिमम 10, एक कम, 11 का डिवाइड दे रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं, 10 नंबर रिपीट हो सकते हैं। यहां पर क्या है, 7, तो मैक्सिमम 6 नंबर रिपीट हो सकते हैं आफ्टर द डेसिमल, ठीक है ना, आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद। जैसे इसमें कितने हो रहे हैं, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 7 रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप इसी नंबर से 8 से डिवाइड दे रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं जो रिपीट होंगे, 7, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है ना, उससे एक कम, मतलब उससे कम ही नंबर रिपीट होंगे। मैंने ये नहीं कहा एक ही कम होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम उससे कम ही रिपीट होंगे, ठीक है नहीं। चलिए अब हम, ये समझ में आ गया, अभी आपने हमने नंबर से क्या देख लिया, डेसिमल एक्सप्रेशन। अच्छा, आपको ये तो पता है ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी नंबर कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो ये सभी क्या है, आपके रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स से पीवाईक्यू की फॉर्म में चेंज करना, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे आपके सामने, तो इन सबको हम किस में चेंज करेंगे, पीवाईक्यू की फॉर्म में, रेशनल नंबर मीन्स PYQ की फॉर्म में, ठीक है ना। PYQ की फॉर्म में चेंज करने के लिए इनका एक तरीका होता है, ठीक है। इसमें तीन टाइप की होती हैं आपकी, क्या होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। देखो कैसे, आप समझना इसको, तीन टाइप के होते हैं। एक तो ये नंबर, कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग, और ये है। अब इसमें क्या हुआ, देखो अब कंडीशन समझना, कंडीशन के हिसाब से ये समझना कि इन क्वेश्चन को किया कैसे आएगा। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, इनको तो आपको आता है, ठीक है ना। इनको करने का तरीका क्या होता है, पीवाईक्यू को फॉर्म में चेंज करने का तरीका, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए आपके बुक में भी दिए गए, उनको लगाइए आप इसको करने के बाद, फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो कंडीशन होती है, या फिर तो अच्छे से सुनना पूरी वीडियो को, अच्छे से पूरी वीडियो को देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैंने आपको समझ में आ गया ना, तो एक्सरसाइज आपकी पैसी हो जाएगी पूरी, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इसमें दो कंडीशन आई है। पहली कंडीशन ये है कि आपको पॉइंट, आप ये दिख रहा है डेसिमल, पॉइंट के बाद नंबर, पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो सभी नंबर रिपीट होंगे। अगर मैं इसको लिखूं तो 0.4444 ऐसे आएगा, ठीक है। इसको लिखूं तो क्या आएगा, 23.434343 क्लियर। इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो 0.12 पे तो बार नहीं है, तो 1 और 2 रिपीट नहीं होगा, ओनली क्या रिपीट होगा, 3। ठीक, तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि पॉइंट के बाद अगर सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं, सभी नंबर्स, जैसा कि आप इन दोनों दिख रहे हैं, पॉइंट के बाद क्या अपना 4 है, तो 4 रेगुलर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 4 3 है तो 4 3 रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट होंगे और कुछ रिपीट नहीं होंगे। मतलब यह है, आप देख रहे हो पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, और कुछ रिपीट होंगे और ये देन रिपीटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ये है इसकी कि पॉइंट के बाद अगर सभी नंबर रिपीट होते हैं तो आपका वो सॉल्यूशन का तरीका फर्स्ट आपका हो गया। अगर पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट नहीं होते हैं, उसके बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, बट उसका करने का तरीका अलग है, दोनों का तरीका अलग अलग है, देखेंगे आपको एक जैसे थोड़ा सा अलग अलग होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, और इसमें सिर्फ वन स्टेप बढ़ेगी और इससे अलावा कुछ नहीं होगा। पूरा वीडियो देखो अच्छे से, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे करेंगे इनको। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपका टर्मिनेटिंग वाला, देख ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इनको तो मैं, इनको तो आप वैसे ही कर सकते हो, आप काफी होशियार बच्चे हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो 15.75, ठीक है, 15.75। तो इसका क्या होगा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1575, पॉइंट की जगह 1। जब आप पता है पॉइंट आते हैं तो पॉइंट की रिप्लेस में क्या आता है, 1, याद रखने का तरीका है, ठीक है। पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 0, तो 1575/100। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 7.010, पॉइंट हटाएंगे तो ये बचेगा, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, देन 3 0, समझे करना, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 701/100 ये आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत सिंपल है, आपको आ जाएंगे। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैसे करते हैं, देखो नोट करते जाया करो साथ साथ में, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेते हैं 0.4, ठीक है। तो सबसे पहले का करने का तरीका क्या होगा, पूरा सिस्टमेटिक बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप इनको अच्छे से देख लोगे तो एक्सरसाइज के और एग्जाम क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इनको सपोज करते हैं, लेट, लेट x इक्वल टू 0.4, आप जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो वैल्यू को x सपोज कर दो, ठीक है, आप x y z कोई भी सपोज कर सकते हो। मतलब ये है आपको x की वैल्यू ये लेकर चलना है, फिर बाद में x की जो वैल्यू आएगी वो उसको क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा इनटू रेशनल नंबर टू फॉर्म p by q। चलो तो उसको क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे 0.44444 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, x इक्वल टू 0.44, मतलब जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब आप क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट होते हैं, पॉइंट के बाद अच्छे से सुनना, पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने डिजिट के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब यह है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट होता है तो 10 का मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर 1 रिपीट होता है
ठीक है, वन डिजिट रिपीट होता है, देन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। टू रिपीट होते हैं, जैसे इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं डिजिट, टू डिजिट रिपीट हो रहे हैं, देन मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। 100 का मल्टीप्लाई आप दोनों तरफ करोगे, ठीक है। चलिए तो इसमें किसका करेंगे, मिनट में 10 का, तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा 10x, यहां कितना आएगा 10x। जब आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड में। पॉइंट कहां खिसक जाता है, राइट हैंड साइड में। कितने डिजिट, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट, तो एक जीरो है तो एक डिजिट फिक्स हो जाएगा 4.444। देखो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो आप पांच बार लिखो, तीन बार लिखो, दो बार लिखो, पांच बार, छह बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ पांच लिख दिए या चार लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ फाइव डिजिट है सर, यहाँ पर फोर डिजिट है, तो ये तो नंबर अलग अलग हो गया। नंबर रेगुलर रिपीट हो रहे हैं, आप कितने लिखते हो वो डिपेंड नहीं करता इस पर, डिजिट पर, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, आपको क्या देना है टू, क्या देना है इक्वेशन नंबर टू, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, जो बाद वाली इक्वेशन आएगी उससे प्रीवियस वाली, उससे पहले वाली इक्वेशन आपको क्या कर देना माइनस हमेशा, मतलब टू में से वन इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर कौन सी, देखो माइनस कौन सी करनी है, वन माइनस करनी है किसमें से, टू में से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम टू, टू से वन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टेन एक्स माइनस एक्स, एल एच एस माइनस एल एच एस, 10x माइनस एक्स। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आप देखना, तो 0.4444 में से माइनस क्या करेंगे 0.444, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट के इस तरफ तो क्या जाएंगे सब 0 0 0 हो जाएंगे, यहां पर क्या बचेगा ओनली 4। तो आपको क्या लिखना है, इतना लिखना है, पॉइंट के बाद जब 0 आते हैं तो नंबर वो नहीं लिखते हैं, तो ओनली क्या बचेगा 4। 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन 9, ये आपका सॉल्व हो गया। मतलब x की वैल्यू जो हमने 0.4 बार ली थी वो x की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 9, ये आपका किस फॉर्म में हो गया p by qp। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब आप डिवाइड 9 का 4 में डिवाइड दोगे आप तो कितना आएगा 0.4444 आएगा, ठीक है, चेक भी कर सकते हो। तो सिंपल, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद जब मैं जितने रिपीट होंगे उतने का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन नंबर टू आएगी आफ्टर देन इक्वेशन टू में से इक्वेशन नंबर वन क्या करोगे माइनस, ठीक है ना, देन सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 4.9 आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं 23.12, ठीक है, इसमें भी क्या करोगे आप यही करोगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहें, लेट x इक्वल टू 23.434343 इक्वेशन नंबर, ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, टू डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का, तो यह मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, क्लियर, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन 100 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि 100x, यहां पर कितना आएगा देखो 23, तो ऐसा के ऐसे रहेगा एज इट इज, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे देन पॉइंट शिफ्टेड इनटू राइट साइड, तो पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो, टू, दो जीरो क्या हो गया सक जाएगा, देखो दो डिजिट, यानी कि पॉइंट शिफ्ट होकर कहां जाएगा यहां पर, तो हम क्या लिख देंगे 2 3 4 3, फिर यहां पे क्या जाएगा पॉइंट, देन 4 3 4 3 4 3 एंड सो ऑन। तो मतलब पॉइंट के बाद देखो नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप दो बार लिखो तीन बार लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया तीन बार, यहां पे लिख दिया तीन बार, तो उसका मतलब ये नहीं सर आपने तो शिफ्ट करवा दिया, फिर यहां पर तीन कहां से आ गए, नंबर तो रेगुलर कंटिन्यूस आ रहा है, आप कितने भी लिख सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर टू आ गई, फिर मैंने क्या बताया था
इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन क्या करनी है आपको, माइनस देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम टू, ठीक है। टू से इक्वेशन नंबर आपको वन क्या करनी, माइनस देन 100x माइनस एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, 2343 माइनस कितना होगा 23, ठीक है। ये तो सब हट जाएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं तो ये करके दिखा दिया है आपको। आप क्या करोगे देखो, 2343 माइनस कितना करोगे 230, 232 कितना बचेगा 2320, 100x माइनस एक्स वन एक्स 99x, तो 2320 देन x इक्वल टू 2320, 99 का आएगा मल्टीप्लाई में तो कहां आएगा डिवाइड में 99, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप ये समझ लोगे ना तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या होगा, एक स्टेप बढ़ेगी, देखो क्या होगा, देखो अच्छे से इसको रेज कर देता हूं, ये क्या है, इसको भी क्या करें, लेट x इक्वल टू 0.12333333 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें बस एक स्टेप बढ़ेगी और कुछ चेंज नहीं होगा। अब अच्छे से समझना इसको क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, नंबर कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, टू डिजिट, ठीक है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस पर क्या पॉइंट शिफ्ट होगा, यहां आएगा शिफ्ट होगा, तो कितना होगा 1 2, शिफ्ट यहां हो गया 0.3333 एंड सो इक्वेशन नंबर टू, इतना काम हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से पूरा सुन लो, नो प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो टू डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं होता तो 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, तो आपको फिर आफ्टर किस में मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो इसमें ही करेंगे, ठीक है ना, इसमें तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1000x, जो इक्वेशन आती है उसमें करती आती है, इसमें करेंगे तो 1 2, पॉइंट शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा यहां पर, तो क्या बचेगा 1 2 3 1 2 3 पॉइंट 3 3 3 3 3 3 इक्वेशन नंबर। मैंने क्या बोला था आपको पहले ही कि बस एक स्टेप बढ़ेगी, हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है, मतलब ये है आपको क्या करना है, पहले पॉइंट का कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, फिर कितने रिपीट हो रहे हैं फिर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम थर्ड, अब वन का कोई काम नहीं है, जो बाद के दो इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करना है, तो 1000x माइनस कितना आएगा 100x, 1000x में से कितना माइनस करेंगे 100x इक्वल टू, देखो पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, इसमें भी पॉइंट का डिजिट सब सेम है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 23 में से कितना माइनस करेंगे 12 1 1 1 कितना बचेगा 1 1 1, तो ये कितना आया, सॉल्व करो उसको, 1000 में से 100 क्या करता है माइनस, कितना बचेगा 900, है ना, 900x इक्वल टू 111, देन x इक्वल टू 111 अपॉन 900, ये आपका, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन है आपको,
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद अब आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। फिर भी आपको लगता है तो मैं एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है, वैसे तो करवाऊंगा ये एक्सरसाइज, है ना। फिर आप कहोगे सर आपने एक्सरसाइज सॉल्व तो करवाई नहीं है, तो मैं करवा दूंगा, बट पहले आप खुद से करके देखोगे, पहले खुद से करके देखोगे। फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन मींस टू रेशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर, मतलब आपको टू रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर गिवेन होंगे, उनके बीच में, ठीक है ना, क्या नंबर निकालने होंगे आपको, इरेशनल नंबर्स बताने होंगे। तो इरेशनल नंबर लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार ये देख लो कि टू नंबर्स जो गिवन होते हैं उनके बीच में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। वन टू थ्री कितने भी ले सकते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि एनी टू नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट अनगिनत होते हैं नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स के बीच में। तो टू रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो एक लिखने का तरीका ये होता है डेसिमल फॉर्म में, जैसा कि मैं आपको दोनों एग्जांपल लिए, डेसिमल फॉर्म में लिया है एक, ये डेसिमल में नहीं है, किसे पीवाईक्यू की फॉर्म में। तो अगर पीवाईक्यू की फॉर्म में होगा तो उसको लिखने का तरीका क्या है, डेसिमल में होगा तो उसको लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम डेसिमल देख लेते हैं, 0.12 एंड 0.13। देखो आपको पता है इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, मैं 0.120 लिख सकता हूं, इट इज ट्रू, यस, पॉइंट के बाद आप लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसका लिखें, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 0.120130, मतलब 120-130 नंबर हो गया। तो 120 और 130 नंबर के बीच में कितने सारे नंबर होते हैं, 121, 122, 123, 124 एंड सो ऑन। तो कैसे लिखेंगे रेशनल नंबर को, देखना इरेशनल नंबर का पैटर्न मैंने बताया था आपको, पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अगेन, फिर अगेन एंड अगेन। कैसे देखो कितने नंबर लिखेंगे, देखो इनके बीच में मिडिल में 0.121 ये लिख लिया आपने, फिर क्या लिखना है आपको 121, फिर आगे लिखना है 1211, 1211, 1211, इस टाइप के लिख सकती हो। नहीं समझ में आया, 0. देखो 1, 2 से 2, 0 से ज्यादा होना चाहिए, 121, देखो 121 लिखा आपने, फिर आप क्या लिख सकती हो 121, देखो यहां पे हो रहा है 12, फिर 112, फिर 1112, फिर 1112, ऐसे चलते चला जाएगा। अब आपको जैसे भी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 1212, 1222, 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
आपको इतना ख्याल रखना है, और जो आप 120 बोल रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब 120 से ज्यादा ना, इसके फर्स्ट थ्री डिजिट से ज्यादा होना चाहिए, 120 121, तो ये मोर देन 120 हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में आ गया। इसे इसमें लिखना है तो देखो 0.12929 2999 2999, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, ठीक है ना। तो ये नंबर्स आपको गिवन थे, इस टाइप लिख दिया डेसिमल फॉर्म में, सिंपल है बहुत तरीका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है ना उससे मैक्सिमम उससे कम लेना है, ठीक है। तो आप ये थ्री डिजिट लिया ना, तो थ्री डिजिट को देखना है क्या वो 120 से ज्यादा है, 130 से कम है क्या, हाँ है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नंबर बढ़ाते हैं, देखो 129 129, फिर 299, फिर 2999, फिर 249, ऐसे आते चला जाएगा, ठीक है ना। तो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इस टाइप से लिखोगे। चलिए अब हम इनका देख लेते हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में। तो पीवाईक्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको अगर आपसे बोल दिया गया है कि डेसिमल फॉर्म में लिखिए, तो आप ऐसे लिखोगे, मैं बताऊंगा वैसे।
लेकिन आपको डेसिमल फॉर्म में नहीं बोला है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। मतलब अगर इनके बीच में नंबर लिखना है मुझे, तो आप स्क्वायर रूट लगाइए, इन दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि 5/7 मल्टीप्लाई 9/11। क्या आएगा आंसर? 5×9=45, 11×7=77। ये आपका क्या होगा? ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकती हो। अगर कोई नंबर ए एंड बी, ठीक है ए एंड बी, मैं इसको जो ऐसे लिखता हूं ए बाई बी एंड एक नंबर है सी अपॉन डी, ठीक है कोई नंबर है ए बाई बी फॉर्म में, सी बाई डी फॉर्म में, ठीक है। अगर उनके बीच में आपको क्या लिखना है, एक रेशनल नंबर लिखना है, कौन सा रेशनल, इरेशनल नंबर लिखना है, तो आप ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी का क्या ले लीजिए स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आप बुक में दे सकते हो, और वो बुक में लिखा हुआ आर और एस फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई नंबर एक आर है एक एस है, तो उनके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट आर इंटू एस, ऐसे लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो आप बुक में देख लेना। अब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो देखो इनका डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर लिखने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इनको किस में लिखना होगा, डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। तो आप क्या करोगे, 7 का फॉर्म में क्या दोगे डिवाइड। जब डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, आप करके देख लेना, 0.714। जब आप डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 714285। ऐसे नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, 714285, ठीक है। जब आप 11 का 9 में डिवाइड दोगे तो आएगा 0.8181, ऐसे रिपीट होगा, ठीक। क्योंकि ये नंबर कैसे है, रेशनल है, रेशनल है तो नंबर क्या होंगे, रिपीटिंग नंबर होंगे, ठीक है ना, रिपीटिंग नंबर होंगे, ठीक है। तो अब आपको इनका डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया, अब आप क्या करोगे, इनके बीच में नंबर लिखोगे। लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, आप देख लीजिए कैसे, देखो कितने भी नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने भी पूछे हैं ले सकते हैं। देखो सबसे पहले आप इनको ये मान चलो, अगर नंबर पॉइंट के बाद सेम आ रहे हैं, पॉइंट के बाद नंबर कैसे आ रहे हैं, सेम डिजिट आ रहे हैं, तो आप जीरो बढ़ा लिया करो, या फिर और आगे डिजिट देखते जाओ। अगर सेम नहीं आ रहे, जैसे कि इसमें देखो, यहां देखो 0.71 यानी 71 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 81, 7 और 8 के बीच में आप नंबर प्रॉब्लम आएगी में, तो आप इसको मानो 71 और 81 में नंबर कितने होती है, 72 73 74 75, ऐसे होते ना, तो आप कैसे लिखोगे, 0.72 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2, एंड सो क्लियर, कैसे लिखते हैं समझ में आया ना। आपको 71 के बाद का नंबर लेना है, तो 72 ऐसे ले रहे हैं, 0.73 7 3 3 7 3 3 3, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। 81 है तो आप ये भी ले सकते हैं, 0.8080 8000 8000 8000, पैटर्न समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप एक पैटर्न समझो, और जो मैंने आपको बताया है पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना है कि कैसे होता है, इरेशनल नंबर किस टाइप से लिखे जाते हैं, और लिखना है तो कैसे देखकर लिखना है। तो 71 और 81 कह दिया मैंने, अगर मान लो मैं बहुत छोटा नंबर लेता हूं, देखो 0.112, आप तो ये मान लो, ठीक है, या फिर मैं और ले लेता हूं थोड़ा सा टफ सा, 0.14657 मतलब ये नंबर रिपीट होंगे। तो आप भी देखो 146 क्लियर हो रहा है, ठीक है सेम हो रहा है, यहां देखो 1465 1463, तो इनके मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, 1464। आप ये देखो, यहां देखो लास्ट में कितना है 57, यहां पे कितना है 37, तो आप क्या करोगे, ये डेट तो सेम रखोगे, 0.146 37 57 के नंबर को, बहुत सारे नंबर आते हैं, चलो मैंने ले लिया 40 ले लिया, 40 40 40 00 00, ऐसे लिखते चलो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इनके बीच में, अगर इरेशनल नंबर गिवन है तो और सिंपल है, ये पहले से ही गिवन है, देखो
0.23233233 ये क्या नंबर है? एडिशनल है। 2525255 ये भी कैसा नंबर? एडिशनल है। तो आप इनके बीच में कैसे लिखोगे? देखो 0.2 ये कितना है? 23। ये कितना है? 25। बीच में कितना आएगा? 24। तो 2424 2444 ज्यादा लिखनी है तो ये कितना है? 232। ये कितना है? 252। कितने आते हैं? बहुत सारे नंबर आते हैं, तो लिखते हैं 0.2 232 है ना, तो 233 तो इनके मिडिल का नंबर हो गया कि नहीं हो गया? और भी ले सकते हो 232 232 252, जैसे 240 भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी नंबर लिख सकते हो। अगर इसमें आ जाता है तो आप इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.414 और होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। तो आप देखो 1.41 है, ये कितना? 73। तो कौन से नंबर होंगे मिडिल के नंबर? कौन से नंबर होंगे? 1.41 तो 42 422 422 1.43 433 433 3। तो ऐसे नंबर आप आसानी से लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होता है एक्सरसाइज 1.3 का, और भी आपको जो भी डाउट रहेंगे वो एक्सरसाइज के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ लो, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में अपना देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपी पेन बुक आप लेके रखें और सामने, तो और हाँ एक बात और है, जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं वैसे ही लगभग आपके क्वेश्चन के इसमें एक्सरसाइज में है, तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगा के आइए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, थैंक यू।